हेलो गाइस, वेलकम टू श्वेता फैमिली। कैसे हैं आप सब? और मस्त मस्त मानसून का मजा ले रहे होंगे आप लोग। बट मानसून में भी सनस्क्रीन लगाना मत भूलिएगा, क्योंकि भाई धूप तो रहती है, सनरेज भी रहते हैं, तो वो हमारे फेस पे बैड इफेक्ट देगा, टैनिंग देगा, पिगमेंटेशन देगा और डार्क स्पॉट देगा, बहुत कुछ देगा। जैसे मेरे हाथ पे टैनिंग हो गई है, तो सनस्क्रीन लगाना मैं कभी नहीं भूलती हूँ। तो आज का जो मेरा रिव्यू है, मतलब आप लोग समझ ही गए होंगे किस चीज़ का है, सनस्क्रीन का है, कि आज कौन से सनस्क्रीन का रिव्यू है। तो चलिए स्टार्ट। पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, प्लीज़, इट्स रिक्वेस्ट। तो आज है ब्रेव एसेंशियल का सनस्क्रीन ब्रॉड स्पेक्ट्रम यूवीए एंड यूवीबी। थोड़ा बोलने में अजीब सा लगता है, तो ज़्यादा मोल्ड करना पड़ता है अपने लिप्स को। आपके साथ ऐसा होता है नहीं, प्लीज़ बताइएगा। तो आज ब्रेव एसेंशियल का मैं आपको 50 SPF का सनस्क्रीन का रिव्यू देने जा रही हूँ, कि ये कैसा है, किस स्किन टाइप वालों के लिए बेस्ट है। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। तो ये है ब्रेव एसेंशियल का सनस्क्रीन, जो कि SPF 50 है, विद कैरेट, एलोवेरा एंड अवोकाडो के साथ, ऑक्सीबेंजोन फ्री है, 75 ml का पैक आएगा, 399 इसका प्राइस है, जो क्योंकि डिस्काउंट पे आपको और ज़्यादा कम रेट का मिल जाएगा। और इसको यूज़ करना है कैसे, जैसे सब कुछ सनस्क्रीन को यूज़ करना है, कि घर से 15 मिनट निकलने से पहले अप्लाई कर लें, उसके बाद ही आप बाहर निकलें, और अगर स्विमिंग जाते हैं तो पहले अप्लाई करें, फिर बाद में भी अप्लाई कर लें। और साथ में दिया हुआ है इसमें कि एक्सटर्नल यूज ओनली, और पैच टेस्ट जरूर कर लें एक बार यूज़ करने से पहले, और डायरेक्ट सनलाइट में इसको मत रखें, स्टोर कूल एंड ड्राई प्लेस, और इसकी लाइफ जो है वो 2 ईयर्स की है, नेचुरल इंग्रेडिएंट से है एंड क्यूटली फ्री है, सर्टिफाइड आयुर्वेदा, डर्मा टेस्टेड है एंड इको, और साथ में ISO सर्टिफाइड भी है, और ग्रीन का भी सिंबल बना हुआ है। अब आते कि क्रीम कैसी है, मतलब सनस्क्रीन कैसी है। तो 75 ml का पैक है एज आई सेड, और ये जो आएगा कुछ इस टाइप से क्रीमी टेक्सचर का आएगा, एकदम वाइट कलर की ये थिक क्रीम है। तो बता दूं गाइस, अगर आपकी ऑयली स्किन है तो प्लीज़ ये सनस्क्रीन मत लगाएगा। मैं ये नहीं कह रही कि सनस्क्रीन बहुत बेकार है, सनस्क्रीन बहुत अच्छी है, बट ऑयली स्किन वाले जब क्रीम बेस्ड सनस्क्रीन लगाते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा थिकनेस और स्टिकी फील होता है, उनको बहुत स्वेटिंग होती है। ड्राई स्किन वाली, नॉर्मल स्किन वाले लगा सकते हैं। तो ये देखिए, इसकी सबसे अच्छी बात क्या कि ये है थिक, लेकिन ये स्टिकी बिल्कुल नहीं है। अब जैसे सपोज मैंने अपने हैंड पे लगाया, ये देखिए एक लेयर आपकी ऐसे बन जाएगी सनस्क्रीन की, लेकिन ये बिल्कुल भी स्टिकी नहीं है, ये बिल्कुल भी स्टिकी नहीं है। एक लेयर आपकी सनस्क्रीन की देखिए बन गई है, आपको साइन दिख रहा होगा। तो अगर ये ऑयली स्किन वाले लगाएंगे तो उनके लिए तो बड़ी प्रॉब्लम हो जानी, क्योंकि थोड़ा ये क्रीमी बेस्ड है। अगर आपको लगाने का मन कर तो आप लगा सकते हैं, बट माय पर्सनल एक्सपीरियंस कि ऑयली स्किन वालों को बहुत ज़्यादा स्वेटिंग एंड ऑयल सिक्रीज होता है, तो ये क्रीम ना सोने सुहागा हो जाएगा, मतलब गड़बड़ी कर देना फिर, तो मुझे ऐसा फील होता है। क्योंकि ऑयली स्किन वालों को जेल बेस्ड सनस्क्रीन ज़्यादा ही ठीक लगेगा उनके फेस पे। तो अगर आपकी ड्राई स्किन है या नॉर्मल स्किन है तो आप जरूर इसको यूज़ करें। मैं तो इसको यूज़ करती हूँ, क्योंकि मेरी ऑफकोर्स मेरी ड्राई स्किन है, तो मैंने सनस्क्रीन लगाया हुआ अपने फेस पे, तो मैं दोबारा अप्लाई नहीं करूँगी, क्योंकि अभी मेरे फिर स्वेटिंग की बाहर आ जाएगी, क्योंकि स्वेटिंग मुझे भी होती है, बट मेरी ड्राई स्किन है तो मेरे फेस पे ईजिली अब्जॉर्ब होता है। और देखिए एक लेयर बनी हुई है, एक अलग सी साइन मेरे हाथों पे आ रही है। तो सनस्क्रीन लगाना गर्मी में ना भूलें। अगर आपको ये सनस्क्रीन चाहिए तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सनस्क्रीन भी अपने आप में बेस्ट है, 3 से 4 घंटा आराम से चल जाता है। अगर उसके बाद भी आप घर से बाहर, तो फेस सिंपल से पानी से वॉश करो, ड्राई करो फेस को, फिर से सनस्क्रीन अप्लाई कर दो। फेस वॉश साबुन से करने की जरूरत नहीं है। आप सनस्क्रीन आपको अगर पिगमेंटेशन तो 2-3 घंटे बाद सनस्क्रीन जरूर अपना फिर से दोबारा अप्लाई रीअप्लाई जरूर करें, तभी आपका जो पिगमेंटेशन है वो जल्दी ठीक होगा और लाइटर होगा, अगर आप उसे डार्क करने से बचना चाहते हैं तो। सनस्क्रीन डेली यूज़ करें। ब्रेव एसेंशियल का रिक्वेस्ट वीडियो था कि कैसा है, तो मैं बताना चाहूँगी कि मेरी तरफ से मुझे सनस्क्रीन पर्सनली बहुत अच्छा लगा, रेंज के वाइज और क्वांटिटी वाइज और यूज़ करने के बेस पे मुझे प्रोडक्ट बहुत अच्छा लगा। ऑयली स्किन वालों को थोड़ा मुझे थोड़ा वो लग रहा है, लेकिन नॉर्मल स्किन वालों के लिए बेस्ट है। ड्राई स्किन वालों के लिए लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और किसी और सनस्क्रीन का वीडियो चाहिए तो मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय बाय, टाटा।